अर्चना जी, अभी अभी ओलंपिक्स खत्म हुआ है और हमारे देश के खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा अर्चना जी, अमेरिका, चाइना और जापान, इनको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदुस्तानी किसी से कम है। आप विदेशों में जाओ, वहां पे तो सिर्फ एथलीट भागते हैं, हमारे यहाँ पे तो जो एथलीट नहीं है वो भी भाग जाते हैं। उनको खाली लोन दिलाओ आप बैंक से, फिर देखना किसी का बाप नहीं पकड़ सकता उनको। अब बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को देखो, लंबे चौड़े होते हैं, अमेरिका वाले तो और लंबे लंबे होते हैं, 10-10, 12-12 गोल डालते हैं ना बास्केट में। मैं कहता हूँ हमारे नेताओं को खिला के देखो। क्यों? आप देखो जो सरकार बनाते वक्त 100-150 MLA को एक ही रिजॉर्ट में फेंक देते हैं, वो क्या बॉल नहीं डाल सकते? हमारे देश में अब स्पोर्ट्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो लोग खेलते इसलिए थे कि सरकारी नौकरी मिल सके। अब सोचो कबड्डी का खिलाड़ी रेलवे में TC लग गया, अब उसका ध्यान ये नहीं कि टिकट किसके पास नहीं है, उसका ध्यान ये होता कि टिकट किसके पास नहीं है उसको कॉपी करके खेलो। यही होता था। स्पोर्ट्स में बड़ी जान लगती है अर्चना जी। मैं आप हमारे जो हॉकी खेलने वाले हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ। हॉकी बड़ी जान वाली गेम है, ऐसे झुक के पूरा टाइम हॉकी लेके और 70 मिनट आपको भागते रहना है। मैंने उस दिन आपको देखा है, अर्चना जी का 1 रुपए का सिक्का गिर गया, वो रोल हो रहा था उसी को, ओह माय गॉड। अर्चना जी, कभी आपने पोलो खेलते देखा है प्लेयर्स को? मैं दिनेश को ले गया एक दिन पोलो दिखाने, मैंने कहा बता कौन सी गेम है, कहता है तो हॉकी, लेकिन इनकी रात को ज्यादा होगी, घोड़े पे चढ़ के खेल रहे हैं। आपने कभी वेट लिफ्टिंग वाले खिलाड़ियों को देखा है? सामने रॉड और प्लेट्स डाल के रखी होती ना, किसी को नहीं पहचानते वो। हाँ। रिश्तेदार भी आए हो चाहे मैच देखने, उनको होता कि उसके बाद में वो ऐसे बेंट हो गए, कितना जोर लगा के उठाते हैं ना वो। मतलब उसके लिए कंधे तो मजबूत चाहिए चाहिए, जो आपने चड्डी पहनी वो बड़ी मजबूत चाहिए। क्योंकि जिस फोर्स से वो नीचे बैठता है ना, काम खराब होने का डर रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बंदा नाम कमाने के चक्कर में इज्जत भी गवाए। मैं तो कहता हूँ ये जो होती ना कि चड्डी बनियान की एड, ये खिलाड़ियों से करवानी चाहिए। हाँ। क्योंकि इनको पता होता है कौन सी चीज मजबूत है कौन सी नहीं। रेसलिंग जब होती है खिलाड़ियों को अपने वजन पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर 55 किलो वाला उसका 1 किलो ऊपर चला गया तो उसको 60 की कैटेगरी में खेलना पड़ता है। आपकी तरह नहीं, 4 अंडे मंगवाए तो 8 पेल लिए। वहां अगर खिलाड़ी ने गलती से भी इतना सा खा लिया ना, खा लिया, तो उनको अनीमा करवाना पड़ता है। फिर अंडा तो बाहर निकलता है, मुर्गी भी बाहर निकल जाती है। अच्छा, कुछ खेल एडवेंचर के लिए बने होते हैं, जैसे बंजी जंपिंग हो गई या ये पैराग्लाइडिंग हो गई। कई लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं ना जानबूझ के, बेबी इट्स फन, अच्छा यू शुड ट्राई इट, यू नो इट्स थ्रिल, कम ऑन। लड़की को रस्सी से बांध के नीचे 1000 फुट की खाई में लटका देते हैं। वो लड़की मन ही मन सोच रही होती कि अगर मैं ऊपर चली गई वापस सेफ, तो जाते पहले से मैंने ब्रेकअप करना है, क्योंकि बेचारी लटक रही है। उसके बाद वापस आती, दिक्कत तब होती जब वो मुकर जाती, बेबी इट वाज सो फन, यू शुड आल्सो ट्राई दिस, या मजा आएगा। और फिर लड़के को भी बांध के जब 1000 फीट खाई में वो देखता है ना, ऊपर से लड़की 200 रुपए और देती, भैया और थोड़ा ढीला छोड़ो ना थोड़ा, तब लड़के को अपनी माँ की बात याद आती है कि ये लड़की तुझे धोखा देगी। ये पांडे गया एक दिन बंजी जंपिंग करने, इतना डरा हुआ उन्होंने चेहरा पढ़ लिया इसका। अच्छा। वो कहते हैं साहब को रस्सी बाद में लगाना, पहले डायपर लगाओ। आप कभी विदेशों में पैराग्लाइडिंग करने जाओ, उनके साथ में एक एक्सपर्ट रहता है, यहाँ पे भी एक्सपर्ट रहता है एक साथ में। विदेशों में क्या होता है, वो उनको बड़ा भरोसा आता है अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर। अगर उसने बोल दिया ना गोरे, यस वॉन डन गो अहेड, वो मान जाते हैं। हमारे लोग जो पहली बार करने जाते हैं ना पैराग्लाइडिंग, खुद तो डरे होते हैं, उसको भी डरा देते हैं। रस्सी बांध रहा, भाई पहले कभी किया तूने, दारू वारू तो नहीं पी तूने? बोलता नो नो, मैंने दारू नहीं, तो मेरे को रम लगवा दे, मेरे को डर लग रहा है। ऐसे लोगों की आप देखना फिर, इनके वीडियो बड़े वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे। ये कूद गए हैं अभी ना पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, और बीच जो एक्सपर्ट होता है वो लात मार रहा था, अबे पैर ऊपर कर मरवाएगा क्या है? जो गोरे लोग होते हैं ना, गोरे लोग ये जब कभी ग्रुप में जाते हैं ना, एक दूसरे को बड़ा चेयर करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, कहीं फंस जाए तो और करते, या यू कैन डू इट, ट्राई ट्राई ट्राई। हमारे लोग डराते बड़ा है। अच्छा। रिवर राफ्टिंग ले चले जाओ आप हरिद्वार, वो जाते ना वो बनाना किश्ती छोटी सी लेके ना, तो बीच में एक ग्रुप में एक मनहूस आदमी बड़ा होता है जो डराता है, भाई ध्यान से, ये मैंने गूगल पे पढ़ा है,
यहाँ आदमी वापस नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। बड़े हाथ से हुए ये, ओ कोने में जाके पानी ऐसे घूमता, अंदर खींच लेता आदमी को, बाकी तू देख ले। तो आदमी अपने आप को हौसला देता, नहीं नहीं मुझे स्विमिंग आती है। स्विमिंग भैया, स्विमिंग पूल में होती है, समंदर में काहे की स्विमिंग। हमारे पिताजी कहते हैं जितना बड़ा तैराक उतनी बड़ी मौत। वो आदमी को इतना डराते हैं, उसने फीस भरी होती है, बाहर बैठ के नूडल खा रहा था, बाढ़ में क्या मेरे को करनी नहीं। हमारी अर्चना जी स्कूबा डाइविंग की बड़ी दीवानी है। अच्छा। हाँ, इनके पति ने स्कूबा डाइविंग करने भेजा, अंदर अकेली गई, बाहर आई तो मुंह में दो मछलियां, हाथ में चार मछलियां। मैंने उन्हें रात के खाने का इंतजाम कर दिया। हमारी अर्चना जी का मेन जो फेवरेट खेल है ना, इनकी मम्मी जी ने बताया मुझे, यदि वो रुमाल झपटा नहीं होता जो गोले में रख देते हैं रुमाल, और फिर दो खिलाड़ी ऐसे रुमाल झपटते हैं, ये लड़पड़ी रेफरी के साथ, कहती रुमाल की जगह मेडल रखो, जिसने छीना उसका। ऐसे नहीं होता है, मेडल छीन के नहीं लेके आते, वैसे लेके आते जैसे हमारे खिलाड़ी लेके आए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों के सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो 2020 में शानदार परफॉर्मेंस दिया और दोनों ने देश का सर गर्व से ऊंचा किया। तो चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, लेडीज फर्स्ट प्लीज वेलकम विमेन्स टीम, कैप्टन रानी रामपाल, सविता पुनिया, गुरजीत कौर, नेहा गोयल, सुशीला चानू, नवनीत कौर एंड वंदना कटारिया। सात लड़कियां सात लड़के, हम सात साथ हैं। सॉरी ओपनिंग में मैंने खराब जोक मारा, लेकिन देखिए आज हमें इतनी खुशी है आप सब हमारे यहाँ पे आज आए, हमारे शो को चार चांद लगा दिए। तो अर्चना जी, ओलंपिक जर्नी के कुछ खूबसूरत पल हैं जो हालांकि सबने देखे, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम उस पलों को दोहराएं प्लीज। ये हमारी जो लड़की डिफेंड कर रही है, हमारी गोल कीपर है ना, वो तो जो गोरी गिरी उसको उठाया क्यों नहीं किसी ने? आपने सेना वहां पर, इसलिए और भी हमारे पास। वाओ क्या बात है। नेक्स्ट, ये गोरियां बड़ी गिराई आप लोगों ने, ये वेरी बैड, I'm hurt। बड़ी शान की बात है, हमारी लड़कियां देखो कितनी शिद्दत से लगी हुई है, पता ही नहीं पीछे कौन गिर रहा है कौन नहीं। वाओ वाओ, व्हाट अ मोमेंट। आगे वाओ, ये मैच से पहले प्रे कर रहे सब, ये मेडल के बाद है, ब्रॉन्ज मेडल के बाद है। अच्छा, मेडल के बाद, वाओ मेडल मैच के बाद, क्या बात है, ये उसके बाद पूरी खुशी मेडल के बाद, वाओ। लड़के भी मेरे, वो किस टीम का जो उधर मुंह करके बैठा है? जर्मनी। जर्मनी उधर मुंह करके बैठा हुआ है, बिठा दिया, बिठा दिया थे मैच। वाओ ये चीज कहीं आप पहले कर देते ना तो कोई आता ही नहीं गोल मारने, क्या बात है यार।
Sorry. Yeah! Super. So, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सब प्लेयर्स के लिए. आइए विराजमान हो जाइए प्लीज. आइए आइए. अच्छा अर्चना जी, हमारी बॉयज टीम ने मेरे ख्याल से 41 ईयर्स 41 साल बाद जो ब्रॉन्ज मेडल हमारी टीम ने जीता है, बड़ी खुशी की बात है. और हमारी गर्ल्स टीम, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी इंडियन गर्ल्स टीम सेमीफाइनल में पहुंची है. वी आर सो प्राउड ऑफ यू. और मैं अभी बैक स्टेज इनसे बातें कर रहा था तो मुझे बड़े रोचक तथ्य सुनने को मिले. मनप्रीत जो बता रहे थे कि हॉकी में काफी सारे मेडल्स इंडिया के नाम है, वो प्लीज हम बताएं जरा हमारे दर्शकों को. बिल्कुल सर, क्योंकि ओलंपिक्स में हमारे पास सबसे ज्यादा मेडल्स हैं और अभी इस मेडल को मिला के आई थिंक हमारे पास 13 मेडल है. हॉकी में सबसे ज्यादा जो मेडल्स हैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इंडिया के पास हैं. क्या बात है. आज आप लोग आ रहे थे जो सभी इतने एक्साइटेड हैं, एक मैडम तो अपनी शादी से उठ के आ गई, वो देखिए लाल साड़ी में कैसी है. दूल्हा कहाँ छोड़ आई. इतना तैयार तो मेरी बीवी शादी वाले दिन में जितना आप शूटिंग के दिन हो के आई है. कसम से ट्रेन रोकने आई थी घर से. अच्छा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉयज टीम में से मनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और वहाँ गुरजीत जी गर्ल्स टीम में से, ये पंजाब से हैं 5 लोग. तो आप अपनी मर्जी से आए कि आपको सिद्धू जी ने भेजा है. किसी की सीट खाली कराने के लिए तो नहीं भेजा आपको. मैं क्या पूछ लूं, कई बार होता है कि सिद्धू जी ने बोला जाओ जात रहे हो वहां पे एक औरत दिखेगी वो उठा लाना. सिद्धू ने मैसेज भेजा है कि अर्चना बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छी लगती है कुर्सी पर, उसे वहीं बैठे रहने दो. हाँ वो अपनी कुर्सी के लिए वहां लड़ रहा है, उसे इस कुर्सी की दिक्कत नहीं है. अच्छा हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपसे वीडियो कॉल पे बात भी करी, उसके बाद आज आप मुझसे मिल रही हैं. और कोई ख्वाहिश बची है पाली? आज तो आपका ड्रीम पूरा हो गया होगा. क्या ड्रीम? हाँ. किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? कि आपने कभी सोचा था हम आपके शो पे आएंगे? चाहे भी लड़की. जब आप ओलंपिक गए थे ना तभी हम लोग सोच रहे थे कि हमारे लड़के लड़कियां ओलंपिक जा रहे हैं और ये अच्छा परफॉर्म करके आए और हमें मौका मिले आपको यहाँ पे. हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग. वैसे कपिल का एक सवाल है. हाँ जी. तू मेरे नाम पर इतने सवाल पूछता है, मैं तेरे नाम पर एक सवाल पूछ रही हूँ अभी. तो कपिल का ये सवाल था कि जब आपने पीएम से बात की तो आप लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि सर जी आप हमारे कैश प्राइज की जरा लिमिट बढ़वा दो, ऐसा कुछ बात हुई कुछ? नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा लगा था जब हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज किया था, तब भी उनसे बात हुई थी. क्योंकि जब सेमीफाइनल लूज किया उसके बाद काफी डिसअपॉइंटेड थी टीम में, तो उनसे जब बात किया उन्होंने काफी पॉजिटिव मैसेज दिया पूरी टीम को और यही बोला कि पूरा देश और वो हमारे साथ हैं, बस अपना गेम खेलिए. और उसके बाद जब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीता उनका कॉल आया, फिर से पूरी टीम को बधाई दी और वो बोले आप वापस आइए, आपके साथ पूरा देश और हम सेलिब्रेट करेंगे. ये पैसे बढ़ाने वाला सवाल आपने मेरे नाम से पूछ तो लिया. लेकिन इसमें जो कंटेंट था ना पैसे बढ़ाने, वहीं से पता चलता सवाल आपका था. अब ये दोनों टीम से मेरा सवाल है कि जैसे आप दोनों के कोच जो हैं वो विदेशी थे, है ना? तो जहां तक मेरी नॉलेज है हरियाणा और पंजाब में इंग्लिश का नेटवर्क कम ही आता है. हालांकि ऐसी बात नहीं, हमारे पंजाब से प्रधानमंत्री भी हुए हैं, फौज के बड़े बड़े जनरल भी हुए हैं, कई फिर इधर शो भी शुरू कर लेते हैं, नहीं आते. मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों को ऐसे कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी? पर ये मनदीप से पूछिए आप. एक इसका एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग 2015 में गए थे इंग्लैंड खेलने. अच्छा. और मैच के दौरान ना हाफ टाइम में एक रिपोर्टर आया और उसने पूछा कि हाउ डू यू फील, कि बारिश हो रही है कैसा फील कर रहा है तुझे? ये बोला रेन नो रेन, मी रेडी माई टीम रेडी. इसका एक और है, डूइंग गेम लाइक स्ट्राइकर सभी अपना रनिंग करते हैं ना, जो भी ओपनर पूरा करने के लिए. ठीक है, तो ये थका हुआ है पूरा ना और बाहर आया तो कोच को बोल रहा है, कोच कोच दे आर रनिंग अनशंट. लवली.
ब्यूटीफुल भाई. आप पंजाब में कहाँ से हो? जलंधर से. जलंधर से? मेरे ससुराल के शहर से. वाह भाई, लैंग्वेज का तो यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है. जो आपके स्किल्स हैं, जिस तरीके से आप खेले हैं, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया. एंड वी आर सो सो प्राउड ऑफ यू. अच्छा, आप तो मैदान में देखा मैंने कि दौड़ दौड़ के खेलना होता है. ये बड़ा ही मुश्किल गेम है, बड़ा स्टेमिना वाला गेम है. तो आप लोग डाइट का भी ख्याल रखते हैं कि हल्का खाना है क्योंकि सारा दिन दौड़ना है, या फिर ये सोच के खा लेते हो कि दौड़ दौड़ के पच तो जाएगा, आने दो जो आता है? क्या क्या डाइट रहती है आप लोगों की? सारे आप बहुत फिट हैं वैसे. एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पे. अच्छा, बिफोर ओलंपिक्स तो ऐसे था कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ नॉर्मल जो न्यूट्रिशन जो हमें डिसाइड कर रहा है वही खा रहे हैं. अच्छा, लेकिन जैसे खेलने के बाद फिर तो जो भी आ रहा है अंदर जा रहा है. अच्छा, और लड़कियां तो वैसे ही कम खाती ना. आप लोग खाती नहीं दबा के? नहीं, आप अपनी वाइफ के हिसाब से बोल रहे हो क्या? मेरी वाइफ तो बहुत खाती है. वो तो मेरा दिमाग भी खा जाती है कभी कभी. अब तो आप रिलैक्स है ना, अब तो ओलंपिक खत्म हो गया. कैसा फील हो रहा है जब आपको एकदम से, आप इंडिया जब आए होंगे तो सडनली लोग पहचान रहे, टीवी पे, न्यूज पे, हर जगह आप ही चल रहे थे, तो क्या आता है मन में उस समय, क्या फील हो रहा था? कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे जैसे हॉकी में 41 इयर्स के बाद मेडल आया था, एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. ठीक है, और जब इंडिया में आया और इतना प्यार, इतना अच्छा स्वागत हुआ, सभी बोल रहे थे कि आप लोगों ने जो हॉकी को बहुत ऐसा हो गया था कि बहुत लोग पहले कम हॉकी देख रहे थे, बट इस ओलंपिक्स में सभी ने हॉकी को बहुत ज्यादा फॉलो किया. वेरी नाइस. और बस सभी जगह से यही बोल रहा कि आपने हॉकी को अभी फिर जन्म दे दिया है. अभी सभी लोग, बहुत से बच्चे ऐसे कि वो अभी बोल रहे हैं कि अभी हमें भी हॉकी खेलना है, आपके जैसा बनना है, और वो भी चाहते हैं कि हम लोग ओलंपिक्स में मेडल लाएं. क्या बात, वंडरफुल. अच्छा, आप लोग जापान कितनी देर तक रहे थे, कितने दिनों? 20 दिन. 20 दिन रहे थे. तो वहाँ पे फिर खाना वाना मिला आपको अपनी मनपसंद का, कि जापानी फूड खाया आपने? नहीं, वहाँ पे हर कॉन्टिनेंट का फूड होता था, और स्पेशली टूर्नामेंट्स में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से तो इतना जो दिल किया वो खा नहीं सकते. मैंने देखा वो ना चॉपस्टिक लेके जो खाते हैं ना, दो डंडियां ले लेते हैं ना, 5-10 उंगलियां. जैसे श्रीजेश, मैंने देखा केरल में तो 5 चॉपस्टिक से खाते हैं, हाथों से चावल का गोला बना. जापान में वो दो चॉप, वो कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं खाया गया. आप में से किसी ने ट्राई किया वहाँ पे वो दो उंगलियां लेके? हम लोग खाते हैं. मैं खा लेते हैं, हम लोग खाते हैं. सौ खाओ, सौ लगे कसम से, पंजाबी आदमी चॉपस्टिक के साथ. भाई वो मलेशियन है. यार मैंने देखा नूडल जब वो दो डंडियों में घुमाओ ना तो दो ही चढ़ते हैं, और एक ऊपर लाते लाते एक वो भी नीचे फिसल जाता है. तो हम तो नूडल भी चम्मच से खाने वाले पंजाब वाले, भर के आना चाहिए. दिल भर जाता है ऐसे, मतलब नहीं, थोड़ा टाइम लगता है भाई खाने में, 5-6 घंटे लगते होंगे. हाँ, वही मैं नॉलेज ले रहा हूँ, कब कल को हमें जापान या चाइना जाने का मौका मिले तो हम भी ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हैं. अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, जब खेल रहे होते मैदान में ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी इतनी गर्म हुई होती भाग भाग के, तो लड़के कभी कभी हाइपर भी हो जाते हैं, एक थोड़ी स्लेजिंग भी हो जाती ना हमारे मैच में. और है भाई, वो आगे इंग्लिश में गाली देते हैं, यहाँ पे हमारे पंजाबी में शुरू हो जाता है मंदीप. और भाई पता है मैच के बाद बोलेगा, भाई साहब उसने मुझे इंग्लिश में दी और मैंने उसको पंजाबी में गाली दी. ठीक है ना उसको आपको समझ आई ना, आपको उसकी खेल का खेल भी हो गया, लड़ाई देखा खबर बाहर भी नहीं आई. अच्छा, जब मैच चलता है लड़कों का तो मुझे पता है, लड़के तो चले जाते हैं ऐसे ही, लड़कियों को कभी मन में नहीं आता आपके कि पूरी दुनिया हमारा मैच देख रही है, थोड़ा थोड़ा आईलाइनर लगा लें, कुछ फाउंडेशन लगा लें, ऐसा करते हो आप वैसे मैच के दौरान? ये बता सकती है आपको अच्छे से. चानू क्या सही बता, आईलाइनर करना पसंद है मुझे. सिर्फ आईलाइनर लगाते हो और भी मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगा के? नहीं नहीं, मेकअप तो नहीं, पर आईलाइनर पसंद है मुझे. अच्छा, हाँ. और बाकी कोई नहीं लगाता? आई थिंक सो, नहीं लगाता होगा कोई भी. अच्छा, हाँ. पर एक्चुअली क्या होता है कि मैच में आप भाग रहे हो, गर्मी पसीना आना है, बाद में अगर मेकअप निकल जाए तो कोच हैरान की ये कौन सी टीम आ गई. तो जैसे रेफरी लोग अलग अलग रंग के कार्ड दिखाते हैं, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, ऐसा तो लड़कियों की आदत होती है. मैंने देखा, मैं कपड़े की दुकान पर भी काम किया है, किसी को दुपट्टा दिखाओ ना रेड, भैया बेबी रेड नहीं है, ब्लड रेड नहीं है. तो आप लोग कभी रेफरी से बोला नहीं, भैया थोड़ा फॉरेस्ट ग्रीन में दे दो कुछ? किया वैसे कपिल का एक और सवाल था आज, बहुत सवाल पूछ रहा है. कि आप लोग टोक्यो ओलंपिक्स खेलने तो ऑफकोर्स गए थे, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम किया वहाँ पर आपने, लव इन टोक्यो. कोई जापानी गुड़िया या कोई, मतलब कोई जापानी गुड़िया पे दिल तो नहीं आ गया किसी का? हाँ भी मंदीप. नहीं नहीं, ऐसा उस टाइम फोकस इतना था कि मेडल जीतना है, तो ये चीज जब मेडल जीत लिया फिर वैसा वो नहीं है. सच बात ये है कि कोरोना के वजह से बाहर जाने नहीं दिया. अच्छा.
और दूसरी बात ये थी क्योंकि विलेज के अंदर भी ना मास्क पहन के आपको घूमना पड़ता था, अगर कहीं पे भी आपको जाना है डाइनिंग हॉल कहीं पे भी आपको मास्क पहन के रखना था तो फेस दिखता ही नहीं था। अच्छा। आप तो बोल रहे मत, आपकी तो शादी हो चुकी है ना। हाँ भाई फेस दिखता नहीं दिखता क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये इनकी फीलिंग बता रहा हूँ। इन्होंने मलेशिया में शादी की है। ओह अच्छा। तो मेरे को आपको एक बात पूछनी थी। जी जी। उनको आपका साग पसंद आ गया था कि आपको उनके नूडल? मुलाकात कैसे हुई थी आपकी अपनी वाइफ से? भाई ड्यूरिंग टूर्नामेंट हुआ था, जब हम लोग टूर्नामेंट खेलने गए थे तो वहां पे उसको मिला था, और वो जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे भी उसको साग और मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा था, तो वो अच्छा। वहीं पे फिर बोले कि मुझे यहीं पे रहना है। उन्हीं को साग अच्छा लगा होगा, आपको नूडल अच्छे लग भी नहीं सकते पंजाब वाले। नहीं पर मैंने देखा आपने दो बार मेरे ख्याल से किसी सीरीज में मलेशिया को हराया, एक बार 3-0 से एक बार, और तो जब आप दामाद बन गए मलेशिया के उसके बाद हिम्मत पड़ी आपको मलेशिया को हराने की? बिल्कुल भाई, और एक्चुअली एक है कि वो भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जब भी हम लोग मलेशिया के साथ मैच खेलते हैं ना तो उसको रहता है कि हम मलेशिया को हराना है। वाह क्या बात है भाई। वो लड़की ने सोचा ना कि अब मैं भारत देश में आ गई हूँ, यहाँ की बहू हूँ तो ये मेरी कंट्री। बिल्कुल अच्छी प्यारी बात भी है। अब तो रिश्ते भी बड़े आ रहे होंगे ना, है ना, ओलंपिक से खेल के आई हैं। सीरियसली बताओ रानी, बताओ आप कैप्टन हो कुछ तो बताओ। सर इसलिए तो आज यहाँ पे आए कि आप शायद कुछ ढूंढोगे हमारे लिए। गलत बंदा लब लब में चला। मैंने तो ढूंढ के रखे हुए हैं। कैसे आप लोग, कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं तो खुल के हंसो, नहीं तो हमको तकलीफ हो जाएगी। मेरा नहीं तो कम से कम मेरे मेकअप मैन का सोचो। पता क्या, चैनल वाले मेरे पे गुस्सा निकालेंगे। हाँ। और मैं जाके मेकअप मैन पे। खैर आप लोग को देख कर ना सच में दिल से बहुत सुशी हुई मेरे को। सुशी? सुशी नहीं, खुशी। नहीं जापान से है ना, उधर तो सुशी होती है। आइए आइए बैठिए, वेरी नाइस। हाय, मैं सच्ची बोल रही कप्पू। हाँ। आज मेरी नानी होती ना इधर। हाँ। बहुत खुश होती वो। अच्छा? नानी हॉकी को बड़ा पसंद करती थी? नहीं उनको बिरयानी बहुत पसंद है, आज सेट पे बिरयानी बनी है ना इसलिए बोली। लेकिन मेरे नाना जी रहते ना नाना जी। हाँ। वो तो बहुत ही खुश होते। उनको भी बिरयानी पसंद है? नहीं उनको हॉकी पसंद है। वो नाना नानी के बीच में ना बिरयानी को लेकर बहुत लफड़ा होता है। अच्छा। हाँ पूरी कॉमेंट्री चलती है। हाँ। ये नानी ने बिरयानी उठाई इधर से, ये लेग पीस उठाया नाना ने, छीना लेग पीस और फॉरवर्ड करके सीधा नानी के मुंह में, और ये हुआ गोल। बहुत लफड़े रहते हैं। तेरे को मालूम है कप्पू, मेरी जो नानी है ना। हाँ। उनके तो दांत भी नहीं है। अच्छा? लेकिन फिर भी बिरयानी बहुत मजे से खाती है। कैसे? वो नाना चबा चबा के उनके मुंह में डालते है। क्या तू आते है नानी की फालतू बातें करने लगी? इतने सारे लोग बुलाएगा तो नानी याद आएगी ना बाबा। इतनी टेंशन है सबका। तो हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स आए उनसे बात बात करो कोई। हाँ सच में सबसे बात करेगी मैं। बहुत खुशी हुई। मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा लेडीज फर्स्ट रहता है ना। हाँ। तो मैं पहले लेडीज से बात करेगी। हाँ मम्मा। नहीं माँ मेरी लेडीज है। हाँ मम्मा। हाँ मैं इधर शूटिंग पहले लोग सब आए ले इधर। हाँ मेरे लिए साबूदाना का पिज्जा रेडी रखना। हाँ ठीक है ओके मम्मा बाय। लेडीज से बात हो गई। चलो मेरा तो खाने को हो गया, इन लोग से तो पूछ लूँ मैं क्या खाएंगे पियेंगे। क्या लेंगे आप? चाय पानी? चाय पानी? चाय चाय ओके पानी फॉर यू। चाय पानी? चाय पानी? मैं सबसे पूछेगी मनप्रीत जी से नहीं पूछेगी बाबा। क्यों? क्योंकि डीएसपी है ना, पुलिस वाले से चाय पानी पूछेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। हाय हाउ यू? गुड मैम। कैसे बैठिए? अच्छा कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। नाइस, ये हैंडसम मैन। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप मीठापुर से है ना? हाँ जी। मेरे मामा का लड़का खट्टापुर से। खट्टापुर कहाँ है? हाँ तो मामा का लड़का कहाँ है? मैं भी मजाक कर रही, एक बार जोरदार ताली हो जाए टीम के लिए यार। सच्ची में एक चीज कहना चाहती है, उधर टीवी पे जितनी औरत लोग घर पे बैठे हैं ना, आप अपने बहु बेटियों को डांटते जोर से बोलते रोटी गोल कर, पूरी गोल कर, अरे लड़कियों को थोड़ा फ्रीडम दो। फिर देखो जो गोल खेल है ना अपना खुद का गोल नहीं, इन लोगों ने हिंदुस्तान का भी गोल पूरा किया है। जोरदार ताली जितना बजा सकते हैं जोरदार।
क्या बात है, पहली बार तुमने अच्छा मैसेज दिया है। हाँ, क्योंकि पार्लर नहीं है ना। अब तो मैं मैसेज ही दूंगी। मैसेज किधर से दूंगी मैं? पर आप पुलिस में ना मेरा कंप्लेंट लिखो, ये आदमी ने मेरा पार्लर हटेला इधर से। तू हॉकी वालों को मिलने आ गई, हॉकी के बारे में बताया तेरे को कुछ? सब मालूम मेरे को हॉकी। क्या मालूम है तेरे को? यू नो हॉकी इज माय फर्स्ट लव। रियली? हाँ। कैसे मतलब? मेरा जो छावा है ना मुकेश, मुकेश है ना मेरा मुकेश, जब उसने मेरे को पहली बार प्रपोज किया था ना, तो मैं उसको हॉ की थी। सच्ची में? हाँ। और आपको मालूम है ये जोक है, खुल के हंसो। खैर मुकेश याद है मेरे को, मैं इन सबकी इतनी बड़ी फैन है, सबका फोटो ले लिए मैं। देख कप्पू, हाँ आज तक हीरो लोग का फोटो रखा जेब में? नहीं। इन सबका रखेला है। अच्छा। हाँ बीरेंद्र जी किधर गए, मेरा आंखें कमजोर है। हाय, कैसे आप? ठीक। शादीशुदा है? ऐसा कौन खड़ा होता है? सब आपका जो भाई है वो हॉकी में है ना? है ना? है ना? आपको पता है मेरा मामा का लड़का जॉकी में है। ये क्या कह रही है? अरे जॉकी मतलब रेडियो जॉकी रे बाबा, वो वाले जॉकी की बात नहीं कर रही हूँ। फिर बैठे बैठे और सब ठीक है कि मैं यहाँ चुनूं? जापान से है ना, तो मेरे को लगा जापानीज बोलते रहेंगे। खैर लेकिन अभी मैं जापानीज बोलेगी ना, तू बीच में मेरे को टोकियो मत। माय गॉड, अर्चना जी मैं कितनी कमाल हूँ ना कि नहीं? मैंने जापान टोक्यो एक ही बात में ले आई मैं इधर। मैं सच्ची बोलती, अगर मेरे को थोड़ा फ्रीडम मिल जाए ना, मैं माल्या को भी इधर ला सकती हूँ। कैसे? अरे वो आदमी मसाज का बहुत शौकीन है। हाय सुशीला जी। हाँ जी। अरे आपको मालूम है शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे अभी, वो आपके बहुत बड़े फैन है, आप पे फिल्म बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? शाम आएगा तो कह देना कि छानू आया था। अच्छा सुशीला जी आप टीसी पे है ना? हाँ जी। तो जब आप इधर जापान गए थे तो ट्रेन में गए थे कि प्लेन में गए थे? ट्रेन में गए। ट्रेन में गए थे? हाँ जी। सपना ट्रेन कहाँ जाती है जापान? ट्रेन कैसे जा जब सकती? टीसी जापान जा सकती तो ट्रेन जापान क्यों नहीं जा सकती? ये हमारे इधर की ट्रेन बहुत आलसी है, प्लेन से कुछ सीखना चाहिए इसको, मैं सच्ची बोलती है। यही सब फालतू बातें करने आई है तू यहाँ पे? नहीं नहीं मैं फालतू बात करने नहीं आई है, मैं वो श्रीजेश ये पहले हंस दिया ने। मेरे को डर लग रहा है ऐसा आ जाओ जो बोलते मेरे। मैं कितने एपिसोड किए, सब हीरो लोग मेरे को दूर भगाते, पहला हीरो मेरे को बोलता आजा आजा। सपना ध्यान से रहना, ये बंदा वो है बॉल किधर भी जाए पकड़ता यही है। अभी तू देख। हाँ। बुलाते आए मगर जाने का नहीं। नहीं नहीं हम लोग पकड़ता नहीं, डिफ्लेक्ट करता है बस। बैठो बैठो, टेंशन मत लो, आ जाओ। श्रीजेश ज्यादा खुश नहीं होने का, पैकिंग ऊपर से अलग है माल अंदर से अलग है। आप गोलकीपर है ना? Yes, yes. तो मैं एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ आपको सर। कैसी टिप? पता है क्या है कि नजर जो है हमेशा बॉल पे रखने का, मतलब इधर उधर ना जाए, कोई आपको बोलेगा वो देख चिड़िया, उधर नहीं देखने का नहीं तो गोल हो जाएगा। कौन सा शूज है? नहीं। कौन से शूज पहने? नाइकी। ये देख ही नहीं रहा मेरे जोक खराब किए तो। खैर मेरे को आपको बोलने का था, वुमेन टीम वाले ना आप लोग, हमारे नाराज हो पा रहे कि ना दो लड़के लोग हैं जो वुमेन टीम में आना चाहते हैं। अरे लड़कों को वुमेन टीम में कैसे लाएगी? देखो बोल कौन रहा है। बोल कौन रहा है देखो के लड़के वुमेन टीम में कैसे आएंगे? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं दुनिया की पहली इंसान हूँ, नहीं नहीं पहला इंसान हूँ, समझ में नहीं आता पहला बोलूँ पहली बोलूँ, तेरी वजह से हे भगवान।
मैं दुनिया की पहली इंसान हूँ जिसने रक्षाबंधन पे राखी बंधवाई भी है और बांधी भी है। कप्पू तेरे को मालूम है एक चीज, ये साल आपको रेफरी जो रहता है वो ग्रीन कार्ड देते हैं ना आप लोग को हॉकी में, इस साल इन लोग को ग्रीन कार्ड पता है क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि टीम में सब पंजाबी लोग हैं, ग्रीन कार्ड मिल गया तो कनाडा जाके सेटल हो जाएंगे। मसाज नहीं लाई तू आज? हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं। हमारे पास एक मसाज है निराश मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, लड़के लड़के रहते हैं इंडिया के, ये हॉकी में बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके ओलंपिक्स में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, फिर वहां से निकल के एक बहुत बड़े शो में आते हैं। अच्छा। और आते ही देखते हैं पार्लर नहीं है और निराश हो जाते हैं। खैर कप्पू मेरे को भी जाने का है, तो एक्चुअली वो शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे, मैं आपको बताया अभी अभी आकर गए पहले शत्रुघ्न। हाँ, हाँ। उनका मैं मसाज की वैनिटी में। अच्छा। हाँ, तो मसाज के टाइम पे ना जाते वक्त वो अपना सीना छोड़ के चले गए। मैं टेंशन, सच सीना पड़ा हुआ है उनका, तो अब मेरे को टेंशन ये है कि अगर अनुभव सीना आया अगले एपिसोड में और सीना इधर उधर हो गया तो शत्रु जी तो चला लेंगे, अनुभव सीना ऐसे ऐसे करते अच्छा नहीं लगे। ऐसा प्रॉब्लम है। खैर मैं चलती है, टू गुड, मैं फिर मिलेगी आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। श्रीजेश, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप गोल कीपर हैं और मैंने देखा जो आपने ड्रेस पहनी थी वो काफी, कितने किलो की होती है वो? नहीं नहीं, अभी तो बहुत कम वेट का है, तकरीबन 5 या 6 kg मैक्सिमम। 6 किलो? फिर भी मतलब एक्स्ट्रा 6 किलो वजन लेके खेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो अंदर पसीना वसीना बहुत आता होगा ना? बहुत ज्यादा। तो जब मैच में कभी ब्रेक आता है तो वापस आप ही जाते हो कि किसी और को डाल के भेज देते? ऐसे होता है मतलब, भेज सकते हैं किसी को? नहीं नहीं, अभी जब ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में नहीं होता है, बट नॉर्मल मैचेस में 2 गोलकीपर आता है तो हम लोग क्वार्टर्स में चेंज हो जाता है। अच्छा, ऐसे होता है? या। ओके। सविता जो है ये भी गोलकीपर है। अच्छा चलो श्रीजेश, तो चलो पूरा मुखौटा मुखौटा पहन के रखते हैं, लड़का है उनको नहीं फर्क इतना पड़ता, लेकिन आप जब गोल बचाती हैं तो आपका दिल नहीं करता कि मैं उतार के बोलूं कि ये दिस इज मी, आई स्टार्ट? ऐसे कभी मन नहीं हुआ भाई साहब? हेलो, मुझे भी आता है चीज। हां, पर लड़के इतना सोचते हैं, लड़कियों को होता है कि मैंने थोड़ा आईलाइनर लगाया दिखाऊं तो सही? नहीं नहीं, एक्चुअली आप करते हो उतार के? नहीं, बीच बीच में कर लेता हूँ, क्योंकि एक एक सेव होने के बाद निकाल देता हूँ कि हाँ मेरे चेहरे भी पहचान लो सच में। आप सोच के देख लो, जैसे ये लोग एक गोल मारा, आप ये लोग 10 या 50 बॉल भी बाहर मारो फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग एक गोल मारने के बाद ये लोगों का फोटो छपता है ना हर जगह। हाँ। तो मेरा भी लगता है कि अरे यार 4-5 सेव करने के बाद मेरा भी आ जाए। श्रीजेश, आपका नाम पीआर श्रीजेश लिखते हैं ना? Yes, पूरा नाम क्या है आपका? पराटू रविंद्रन श्रीजेश। वाओ, ये चिट्ठी पे इतना नाम लिख दो चिट्ठी पहुंच जाती है। सच बता रहा हूँ भाई, अभी जो ओलंपिक्स मेडल के बाद आप नाम लिखो घर तक चिट्ठी पहुंच जाएगा। वाह क्या बात है, ये तो है, ये हुई ना। अच्छा, इतना लंबे नाम वाला बच्चा कहीं मेले में गुम हो जाए ना तो अनाउंसर अनाउंसमेंट नहीं करता पूरे नाम लेके, क्या बोलता है? वो खाली इतना बोलता है, एक बच्चा जिसने नीली चड्डी पहनी है और वैजयंती माला को अपनी माँ बता रहा है, जिसका भी हो आके ले जाए। सविता, हमने सुना है आपके जो कोच साहब हैं उनका नाम सुंदर सिंह सरब है, सुंदर सिंह खरब। हाँ जी। सोचो खरब कोच होने के बावजूद इतना अच्छा खेली है, और अगर कोच अच्छा होते तो कितना अच्छा खेलती। खराब 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 नहीं खराब। हाँ, पर जो कैसे बन रहा था तो उस हिसाब से मैंने बनाया, आपने उल्टा खराब कर दिया। खरब साहब बहुत बहुत बधाई आपको। चानू एक बात बताओ, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि नॉर्मली घरों में क्या होता है, जैसे हमारे बड़े भाई पिता दादा परदादा जो भी करते हैं हम लोग उस चीज के लिए अट्रैक्ट होते हैं। मैंने सुना है कि आपके दादा परदादा वो पोलो खेलते थे। हाँ जी, पहले खेलता था। आप हॉकी में आ गई। हाँ, ऐसे क्यों, घोड़ा भाग गया था? ललित उपाध्याय, देखो ये नाम अगर आप पहले ललित सुनते हैं तो लगता है कि लड़का कोई फ्लर्ट करने वाला होगा, फिर जब हम उपाध्याय सुनते हैं लगता है नहीं यार ये भजन पाठ करने वाला होगा। ललित, आप हॉकी में कैसे आए, आप अपने बारे में बताएं। हाँ जी, पहली बात तो लड़कियां भाव ही नहीं देती। अब जब से मेडल आया तब से सोशल मीडिया पे मैसेजेस आने लगे हैं। अच्छा, और पढ़ाई की बात करें तो हम भी उतना ही गए कॉलेज जितना आप गए हैं। फिर हॉकी पाजी बड़े भाई को देख के स्टार्ट किया था। अच्छा जी। हाँ, और सबका आशीर्वाद था, महादेव का, बनारस से बिलोंग करता हूँ, सबको पता है।
तो बस सर महादेव का आशीर्वाद था कि आज यहाँ तक का सफर तय किया। तो अभी फिर जब ओलंपिक से आए हैं तो अभी भाव मिल रहा है पूरा? भाजी भाव की बात कर रहे हैं, किलो मिल रहा है अब तो पूरा भर भर के। तो फिर किसी पर रुमाल रखा आपने कि नहीं? नहीं पाजी, रुमाल नहीं रखे, चादर रखेंगे सीधा आप तो। मैंने देखा अभी उपाध्याय साहब भरे ही पड़े थे तो वेट कर रहे थे ओलंपिक से वापस आऊं और चादरें डालूं मैं। लड़के भोले होते हैं, मुंह पे बता देते हैं कि हम तो भैया ऐसे हैं। लड़कियां तो गुन्नी बन के बैठी, बता ही नहीं रही कुछ। अभी ब्रेक हुआ तो कहती तुझे पता है क्या बोला, उसी समय शुरू हो गई है। और ब्रेक जैसे खत्म हुआ तो ऐसे नहीं, जैसे कोच साहब बोले वैसे ही करना पड़ता है। सबसे शरारती तो इनकी कैप्टन ही है। मेरी बीवी पे आते ही पंच मार गई। वो अब घर जाके अपना पंच मारेगी मेरी रीढ़ की हड्डी पे। मेरे पहले ही बैक इंजरी हुई पड़ी है। गिनी का भाई भी बैठा हुआ है। अच्छा, वो रानी को तब से घूर रहा है। तो साथियों ऐसा है, अब वक्त है थोड़ा खुलने का। आप सब साथ में खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, पूरा साल ही पूरा ऑलमोस्ट अपने एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सेम फॉर यू गर्ल्स, एक दूसरे के बारे में बताना है कि ऐसा कौन करता है। तो बॉयज फौरन जाके जब भी आप मैच खेलने जाते हैं तो गेम के अलावा ताड़ू कौन है जो ग्राउंड के बाहर भी थोड़ा घूम फिर लेते हैं वैसा टाइप? जी ज्यादा दूर मत जाइए आप, नजदीक ही पड़ा है। हाँ, समझ गए। उन्होंने तो अपना रुमाल रख दिया ना मलेशिया में। मैं बोल रहा हूँ अब जो जिनकी शादियां नहीं हुई है उनमें से कौन ऐसा? इधर आ जाओ थोड़ा, ये पहली देर के बाद हुआ था। हैं मंदीप, नहीं इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, उल्टा अगर ना ऐसा करने को दिल करे फिर बुरी बात है। एक की तो शादी कर ली, दूसरा मंदीप है, तीसरा बाकी सारे ब्रह्मचारी शरीफ है। नहीं नहीं नहीं, आएंगे धीरे धीरे। हाँ ये तो लड़कियों को सबसे पहले दिखता भी यही होगा। नींद किसको सबसे ज्यादा आती है, आलसी कौन है, सुस्त? वीरू वीरू वीरू, 10 मिनट में लेंगे सो जाएगा। 10 मिनट में कैसे नींद आती भाई, हमें बता दो। 10 मिनट नहीं भाई, अगर एक बार सोया ना बिना खाए पिए एटलीस्ट 13-14 घंटा सो सकता हूँ, जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे। इवन रूम में ये रूम में 14 घंटे सो जाते हैं अकेले ही जी, जब तक मतलब और कुछ नहीं चाहिए, जहाँ सोने का मौका मिला हम सो जाते हैं। ऑप्शन नहीं होती कोई, रूम ले खाना लेके खुद आएगा तब उठाएंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं होती कोई। आपने हमारा तो पूछा ही नहीं, या फिर गौर लड़कियां बोलती नहीं है। तो ये मैंने पूछा तो था, सबका ये सबके सबके लिए था सवाल, आपने गौर से नहीं सुना। तो हम वेट कर रहे थे ना कि वो चुप हो जाएंगे तो हम बोलेंगे। अच्छा अच्छा, तो अब आपकी बारी। तो आप में से कौन ज्यादा आलसी है लड़कियों में? आलसी तो नहीं बोल सकते, पर सोते सभी दी ज्यादा है। मैंने देखा लड़कियां जो है ना ये मुंह पे नहीं बोलेंगी एक दूसरे के, कैमरा बंद होगा फिर ये बोलेंगी तूने बताया क्यों नहीं, ये रानी सबसे ज्यादा खाती है। अच्छा तैयार होने में कौन ज्यादा टाइम लगाता है? आज तो उन्होंने तैयार कर दिया था मेकअप वालों ने। अच्छा नहीं वैसे पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा, मेरे सामने गुरजी हमारी टीम में सबसे ज्यादा मेकअप इसे पसंद है तो ये रेडी रहती है। चानू को और लेट ऑलवेज गुरजीत होती है। लेट क्यों होती गुरजीत? पता नहीं इसका कुछ ना कुछ रह ही जाता है लास्ट तक ना, फिर बुलाती है कोई आना मेरी हेल्प कर दो। उसने मीडिया में तो देखो पहले एक चोटी बनाई फिर उसके ऊपर डायमेंशन दी दो अलग, पूरा आज हेयर स्टाइलिंग करके आई है। सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन है लड़कियों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यही बैठी है मैडम हमारी नवनीत, सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। यस, हालांकि बस नहीं चलता हो क्योंकि पहननी सबको यूनिफॉर्म ही है। है ना, नहीं तो अगर नवनीत आपको कोई बोल दे कि अच्छा आपको माफ है यूनिफॉर्म के अलावा आप क्या पहन के जाना पसंद करेंगी मैच में? मैच में सोचा ही नहीं इसके बारे में तो कभी। और अगर लड़कों आपको ऑप्शन दी जाए कि जो मर्जी अपनी मर्जी का पहनो, क्या पहनना चाहेंगे आप? पाजी पहली बात तो अगर कुछ और पहन के जाएंगे तो वो वाली फीलिंग नहीं आई और ना ही खेल सकेंगे। जो जर्सी की जर्सी में फीलिंग आती है मेनली, जो वही बात है जर्सी पहन के जाएंगे उससे मजा आता है। अच्छा एक प्लेयर होता है ना जिससे कोच बड़ा चिढ़ता है कि यार मेरी सुनता नहीं, लड़कों में से कौन है वो? एक है प्लेयर भाई, वो सिमरनजीत है। अच्छा। उसको कोच बोलता है कि तू बॉल छोड़, वो बॉल छोड़ता नहीं, वो लेके डॉज मारता रहता है उसको, बहुत अच्छा। बार चिढ़ता है कोच उसके ऊपर। अच्छा तो हो सकता है उसको कोच की समझ ना आ रही हो बेचारे को। है ना, इंग्लिश में बोलता होगा ना कोच। हां तो मंदीप चेक करो जरा उसका एक बार।
गर्ल्स हमारी टीम में गुरजीत है कि जो कोच कुछ भी बोलता है पर वो अपनी मर्जी से गुरजीत क्या कारण है इसके पीछे कई बार बहुत ज्यादा बोलते फिर उनको गुस्सा आ रहा होता फिर मेरे को भी गुस्सा आ रहा होता है इसलिए अपना काम करती हूँ फिर मैं सोचती बोलने तो मैं अपना काम करती हूँ लास्ट सवाल अब आप जब मैच वैच खेलते बाहर घूमने फिरने भी जाते होंगे जब ओलंपिक खत्म हुआ खाने पीने शॉपिंग करने सबसे ज्यादा कंजूस कौन है जिसने पैसा निकाला ही नहीं नहीं भाई लड़कों में सभी शेरशेर दिल हैं अगर कुछ भी होता है हम लोग जैसे कभी कोई जाता है तो एक पर्सन कोई पे कर देता है अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि कोई लड़कियों में ऐसा नहीं होता पता आपको नॉर्मली मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं है नॉर्मली क्या लड़कियां नहीं नहीं लड़कियों बड़ी वो होती हैं मतलब ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैं कहूंगा ये और भी करना पड़ता है सिखा के भेजा कि ये बोलना है जाके मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ी हुई हो वो बेचारी का शो से कोई लेना देना नहीं है शो में जब आता हूँ मैं अनमैरिड होता हूँ शादी मेरी हुई अंधेरी वेस्ट में शूटिंग इन अंधेरी ईस्ट दीदी का जी से डर अभी याद आता है अरे यार कहाँ याद करा दीपिका मेरे सवाल ही भूल गया आगे और किसको अच्छी लगती दीपिका पादुकोण इनके सारे सवाल काट देना जो भी अभी क्या अभी तो ठीक है अभी तो क्या करो हम जैसे लोग वही बाहर बैठ के जो मैच देखने वाले होते हैं ना हमारी हालत वैसी हो जाती है ले गए गोल लड़कियों आपका फेवरेट कोई एक्टर होगा कोई ऐसा मुझे अक्षय कुमार पसंद है आपको अक्षय कुमार पसंद है और आप सबसे पहले उनको सर आप ही हो वाह मुझे पता था ऊपर वाला मेरी कभी ना कभी सुनेगा और आपकी टाइगर श्रॉफ वाओ और आप जॉन अब्राहम और हाइट के हिसाब से जॉन अब्राहम ढूंढा लंबी चौड़ी ना चानू आप सलमान खान वाओ भी कैप्टन साहब आप अक्षय कुमार आप में टाई होता है गुरजीत शाहरुख खान क्या बात है हुन मुंडिया तो शुरू करते हैं अभी हम तीनों का फाइट हो जाएगा आप पाजी प्रियंका चोपड़ा ओह कॉन्फिडेंट बंदा प्रियंका चोपड़ा मंदीप प्रियंका चोपड़ा दो ही लड़कियों के पीछे सारी टीम पड़ी हुई है इंक्लूडिंग द होस्ट हाँ जी हरमन आप वीरू प्रियंका चोपड़ा ताई हो गया देखो हॉकी में जैसे होता है ना कि आपको साथ में खेलना होता है पर्सनल लाइफ में ये जरूरी नहीं है आप अलग अलग भी खेल सकते हैं हरमन आपकी फेवरेट कौन है आपकी फेवरेट कौन है मैं बोलूंगा आलिया भट्ट आलिया भट्ट बंदा अलग खेला कुछ सोफा भी अलग सुना है उसने इसकी भी वजह अच्छा क्योंकि मैं भी दीपिका ही बोलने वाला था तो मेरे को पता है कि मैच हो जाना है हम दोनों उपाध्याय साहब आप सर आप कटवाने वाले थे सेम ही था तो मैं सोचा बोलूं कि ना बोलूं दीपिका जी थी अरे वाह वाह दीपिका देखो इतने लोग लाइन में थे चलो खुश रहे पेट वाला शाहरुख मैंने पहले मनदीप जी हाँ जी नवनीत जी हेलो आप दोनों को मेरी प्यार भरी हेलो इन दोनों को सिर्फ हेलो क्यों बाकी क्यों नहीं मुझे पता है ये फॉरवर्ड खेलते हैं मेरी हेलो फॉरवर्ड कर देंगे ये हमारी शान है देश की इनके लिए जोरदार तालियां ये इनसे ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है ये असली शाहरुख खान नहीं है ये मेरे चाचा जी हैं दूर के वो शाहरुख खान बने हुए हैं अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम्हारा चाचा ही यहाँ पे शाहरुख खान बन गया है अब शाहरुख थोड़ी सर चाचा बनेगा एक सेकंड मेरी आवाज ठीक नहीं निकल रही ना थोड़ा एसी बढ़ाओ हे थोड़ा और बढ़ाओ हे और ठंडी लाओ आप ठीक है ये छोटी वाली हॉकी क्यों पकड़ी हुई आपने क्योंकि अम्मी जान कहा करती थी
कोई भी हॉकी छोटी नहीं होती और हॉकी से बड़ी कोई गेम नहीं होती। मैं तो हॉकी से इतना प्यार करता हूं कि मैंने टैटू भी देखो हॉकी का बनाया है। ये देखो, ये तो चोट का निशान लग रहा है, पर जिसने बनाया उसके पास हॉकी थी। बहुत 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 मुबारक। मैं वाकई जी शाहरुख खान बनना बहुत ही मुश्किल है और आज मैं दिल से खुश हूं इनके लिए, सच्चे दिल से तालियां। मैंने चक दे इंडिया देखी थी, उसमें वो आर्टिस्ट थे सब, लेकिन आज मैं असली हमारे जो हीरो यहाँ बैठे हैं इनके लिए क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। और आपके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, टाइम कम है फिर भी गाऊंगा। हाँ जी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आपने इतनी पक्की तरह सीट मली हुई है, कैसे आएंगे? थैंक यू जी, एक बार बहुत बहुत दिल से मुबारक। थैंक यू कपिल, मुझे मिला दिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक गेस्ट मौजूद है। इनको जब पता चला कि आप सब लोग हमारे शो पे आ रहे हैं तो इन्होंने हमसे संपर्क किया कि मैं आके मिलना चाहता हूँ। लॉरेंस जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉरेंस जी। जब आप सब लोग ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से प्रमोशन किया, इनकी एसोसिएशन है जिसके बारे में ये बताएंगे। लॉरेंस जी को माइक प्लीज दे दीजिए। थैंक यू कपिल जी, वेलकम सर। मैं ये शो में आके बहुत खुश हुआ हूँ। सी आई एम द हॉकी सेक्रेटरी फॉर बॉम्बे स्कूल्स और हम लोग स्कूल्स में हॉकी के टूर्नामेंट करते हैं, फिर देन कैंप्स अरेंज करते हैं, फिर देन हॉकी इंडिया के टूर्नामेंट्स में जाते हैं। टोक्यो से 2 महीने पहले हम मुंबई स्कूल्स से सारे बच्चों ने, फिर कुछ ओलंपियंस ने, इवन द प्रेसिडेंट, हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जहाँ पे एक मैसेज था कि पूरे इंडिया को देखना है, ये सारे प्लेयर्स को विश करना है, ऑल द बेस्ट, गो फॉर गोल्ड। सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो गया ये वीडियोस और बहुत इमोशनल फीलिंग था जब इंडियन टीम पोडियम फिनिश कर रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि बॉम्बे स्कूल्स ने और बॉम्बे स्कूल्स के सारे टीम ने कुछ तो एक मकाम हासिल किया कि वो मैसेज आपके पास गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी हॉकी रिवाइज हो गया है, इट्स अ रीबर्थ। सो अभी ये मोमेंट ऐसा ही रखना है और साथ में गवर्नमेंट ने, कॉर्पोरेट्स ने इंडियन हॉकी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉरेंस जी, धन्यवाद। अच्छा नीचे पाजी बैठे हुए हैं ये ब्लू टी शर्ट्स में, पाजी ये खास तौर पे आज आपने पहनी हॉकी टीम के लिए, कुछ बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम राजा नामदारिया, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी, तो जैसे हमने बचपन में हॉकी देखते थे टीवी के ऊपर, तो क्रिकेट भी देखते थे, तो हम देखते थे कि जैसे क्रिकेट के फैंस हैं बार्मी आर्मी जी, तो वो सारी जगह उनको जाकर सपोर्ट करते थे जी। तो हमने अपना 2010 में ग्रुप बनाया वन टीम वन ड्रीम, जहाँ भी हमारी हॉकी टीम ट्रैवल करती है, टूर्नामेंट खेलने जाती है, तो हम भी साथ में ट्रैवल करते हैं और इनको जाकर सपोर्ट करते हैं। और सर वन ड्रीम ग्रुप के वर्ल्ड वाइड 100+ मेंबर हैं जो। अच्छा जी, कोर ग्रुप मेंबर हैं, तो कहीं पे भी हमारी टीम जाए आप मैच देखने जाते हैं। सर हमने टोक्यो प्लान किया था बट कोरोना की वजह से हम नहीं जा पाए। अच्छा जी, सर हैं हमारे बेंगलोर से। अच्छा, ये दिल्ली से हैं, हमारे लंदन से भी हैं, फिनलैंड से भी हैं, मलेशिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है। सर हमने एक टी शर्ट तैयार किया है अपने हॉकी हीरोज के लिए जिसपे ये सारे प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। वाह, मेंस टीम खेली थी। और एक टिकट मैं आपके लिए भी लेके आऊँ, अर्चना मैडम के लिए भी लेके आए हैं, जिसके पीछे हमने कपिल पाजी का, मुफ्त की चीज तो बड़ी खुश होती हूँ। थैंक यू पाजी, शुक्रिया, सत श्री अकाल पाजी, नमस्कार सर। हाँ प्लीज प्लीज जा सकते हो। अरे थैंक यू पाजी, अरे वाओ, मेरे नाम के साथ थैंक यू, आप लोगों की वजह से मिली मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वीर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरे नाम के साथ इंडिया, इंडिया, वो इंडिया, 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 क्या बात है। थैंक यू भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बॉय।
अच्छा हमारी अर्चना जी ये बोल रही हैं कि सारे लड़के लड़कियां इतने शैतान हैं, फिल्में भी देखते हैं, तो कुछ डायलॉग्स हैं हमारे पास, ये हैं। ठीक है जी, ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी से पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वाओ, और कोई हमारा दोस्त? थप्पड़ से दर्द नहीं लगता साहेब, प्यार से लगता है। ये मजदूर का हाथ है खातिया, खातिया हाथिया नहीं। लोहे को पिघला कर उसके उसका आकार बदल देता है। ललित को दे दे। हमारे टीम में ऐसा होता है कि बैकअप होता है, एक ने गलती किया तो दूसरा बैकअप करता है। ललित यही डायलॉग बोल, अच्छा से बोल, चलो एक्शन के साथ। ये मजदूर कहाँ से कर क्या? लोहे का पिघला के इसका हाथ पिघल देता है। एक बार और। बहुत अच्छा बोल, दोबारा एक बार। ये मजदूर का हाथ से काटता, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ललित आपने इतना अच्छा बोला है, एक मैं बोलता हूँ एक चुटकी सिंदूर की, दीपिका वाला भी आप। अरे हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, गुरजीत की तरफ देख के बोल दो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ईश्वर का आशीर्वाद है, होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहाग के एक सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। बस बाजी इतनी बात। अच्छा ललित ने ना पहले जो शुरू किया वो पहले रमेश बाबू तक ठीक था, बीच में नाना पटकर बन गए थे। तुम क्या जानो क्या होता है सिंदूर का, वो बीच में। अब लड़कियों की बारी है, ये आगे फॉरवर्ड कर दो। एक चुटकी की सिंदूर तुम क्या जानोगी, कपिल शर्मा। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पे पड़ता है ना तो उठता नहीं, उठ जाता है। बेटे ये आप बॉयज टीम में खेल रहे हो, आपको लड़कियों वाला डायलॉग बोल सकता है। लड़कियों वाला एक ही है। कौन सा वाला? चुटकी सिंदूर। हाँ दीपिका का है ना, तो एक ही काफी है। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। ऐसे नहीं, ये डायलॉग पता क्या रोमांटिक है। कोई मेरा भाई बंधु कौन आना चाहे, मंदीप आ जा। अच्छा एक देख के आंखों में बोलना है, ये फील के साथ। कम मजा आएगा, मंदीप से खुश हो गया। हां जी तेरी आंखों की नमकीन मस्तिया। पास हो जाओ, एक टोकियो खड़ी तुझे बीजिंग खड़ा, पास हो जाओ। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखिया। नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जान। वाओ, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे पास कुछ और हमारे खास मेहमान हैं जिन्होंने आप सबके लिए कुछ मैसेज दिया है, प्लीज हैव अ लुक। ब्रेव हार्ट सन एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू डिड इट and you are going to do much, much more next time. I love you a lot and I pray for you. Be happy, healthy and strong. Khul ke khelo aur chakku do phatte. Love you. Aap tamam logon ko bahut bahut badhai ho. Aap logon ne sirf Punjab, Haryana, Jharkhand,
साउथ इंडिया का ही नाम रोशन नहीं किया है, अपने गांव अपने शहर का ही नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। हमारे लड़कों ने तो हॉकी में कमाल कर दिया, या कुश्ती में दैया ने, या बाकी लोगों ने, संधू ने अपना, बैडमिंटन में, जितने लोगों ने नाम किया है, कुश्ती हो चाहे बाकी स्पोर्ट्स हो या जेवलिन में, तो कमाल बेमिसाल किया है। हमारा अपना अपना घर का प्यारा बच्चा हमारा नीरज चोपड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं सराहना करूँगा, प्रशंसा करूँगा तो हमारे अपने घर की लड़कियों की, हमारी बच्चियों की, हमारी जो स्पोर्ट्समैन के साथ साथ हमारी जो हॉकी टीम की लड़कियां रहीं, उन्होंने ऐसा कमाल किया है कि इतिहास बना दिया, लोग याद रखेंगे। लड़कियों का जहां तक सवाल है, इस बार का परफॉर्मेंस देख के कह सकता हूं कि जीत और हार ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीत की कगार तक पहुँचना, अपनी सिंसियरिटी के साथ, अपने लगन के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ और अपने सही प्रयास के साथ। जो जोश और होश का संगम दिया है, आप तमाम लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और शुभाशीष के काबिल हैं। जय हिंद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नवीन पटनायक जी और उनकी गवर्नमेंट ने हमारी हॉकी टीम्स को बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है, मैं चाहता हूं आप लोग भी सुने। हॉकी की पुरुष और महिला टीम दोनों ने ही टोक्यो ओलंपिक में अपने जबरदस्त खेल से देश का नाम रोशन किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रेरणा लेकर, आपसे इंस्पायर होकर आने वाले खिलाड़ी आपके इस सफलता को और भी आगे लेकर जाएंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे हम और भी ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू कपिल जी फॉर सपोर्टिंग हॉकी आवर नेशनल गेम। जय हिंद, वंदे मातरम। इतने सारे सुपरस्टार आज इस मंच पे हैं, मजा आ गया। सच्ची कहूँ, मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि इतने सारे, मतलब हॉकी के हमारे इंडियन टीम, उनके साथ में स्टेज शेयर कर रही हूँ। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, मजा आ रहा। सॉरी मैं किन बातों में लग गई, शो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो, पावर्ड बाय। क्या कर रही? सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आपने मुझे दूसरे चैनल पे भी देखा होगा, मैं वहाँ भी एंकरिंग करती हूँ। जो काम ज्यादा करते रहते हैं ना, वही निकल जाता है। सच्ची कह रही हूँ, मैं घर में भी अपने पति को गुड नाइट बोलकर ही सोती हूँ। मैं बोलती हूँ चलिए कल फिल्म मिलते हैं इसी बेड पे, इसी वक्त, गुड नाइट शपक है, अस्सलाम वालेकुम। और ये पाजी मेरा हाल नहीं है, ये बंदे का भी यही हाल है, क्योंकि कई सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं ना। लॉकडाउन में हमारा शो ब्रेक पे चला गया था, इनकी बीवी ने फोन किया, कहती प्लीज इनका शो शुरू कर दो, अपने 6 महीने के बच्चे को ना ऐसे सोफे पे बिठा के कहते हैं। कैसा फील होता है जब आपको कोई कहता है कि आप कपिल शर्मा का बेटे हो? वो बेचारा गर्दन नहीं संभाल पाता, उसको बोलते हैं कि आपने अपनी जर्नी कब से स्टार्ट की, वो क्या बोले कि अभी 6 महीने पहले आया हूं, हार के हमने इनका शो शुरू किया। लेकिन सच्ची बड़ा मजा आया, आप लोग तो आए हैं, बाहर कितना मीडिया है पता, मेरे भी 6-7 फोटो खींच दिए, कहते हॉकी टीम के साथ मीराबाई चानू भी आई है, मैंने भी खिंचवा लिया फोटो को। लेकिन सच्ची भाई मैं फिट हो गई हूँ ना, तुम और फिट, ये देखो फिटनेस लड़कियों की, लड़कों की ये होती फिटनेस। मैं भी अगर हॉकी टीम में होती ना, इनसे ज्यादा फिट होती। वो कैसे पाजी? जब एक बंदे के पीछे 20 लोग हॉकियां लेके भागते हैं ना, तो डर के मारे चर्बी आप ही पिघल जाती है। तो सच्ची क्यों नहीं फिर ओलंपिक जाते? हाय मेरा भी बड़ा शौक था ओलंपिक में जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाई पाजी। क्यों? वो ओलंपिक एक जगह टिकता नहीं, हर 4 साल बाद देश चेंज कर लेता है। मैंने कान पकड़ा, मैं कहा एक जगह टिक फिर आऊंगी। सच्ची कह रही हूँ। और मैं बोलूँ, हमारी अर्चना मैम के लिए तालियां बजा दो यार। क्यों? ये भी स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन है। अर्चना मैम देहरादून से हॉकी खेलती थी और इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट भी हुई थी। अच्छा। लेकिन टीम ने शर्त रखी कि आप जेंट्स टीम में खेलेंगे।
जब ये जेंट्स टीम में गई तो जेंट्स टीम भड़क गई, कहते माना के हम जेंट्स हैं लेकिन इतना बड़ा जेंट्स नहीं हमारे साथ खेल सकता। भारती और नेहा तुम्हारी बड़ी एक्टिंग करती है। कौन? ओ लास्ट में सब करो ना एक बार। कर 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 नेहा, चल चल। आपको पता अर्चना जी, इन्होंने ऐसे करके क्या कहा? ये हमारी भाषा की बात, इन्होंने कहा कैसी है तू, मैं भी कहती हूँ ठीक हूँ। और पाजी मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी स्पोर्ट्समैन से शादी करूँ लेकिन वो हो नहीं पाया। आप में से कोई कुंवारा है? अच्छा सारे कुंवारे हैं लेकिन अंदर से कह रहे हैं इसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन सच्ची मैं कह रही हूँ, आप लोग तो वाकई टीवी में तो इतना पता नहीं चलता, जब गेम वेम खेले तो पसीना तो वाकई तो सारे बड़े हैंडसम है भाई। हो ना, वो तो दिलजीत सिंह को मात दे दें। है ना, मैं भाई मुझे लगता है कि ये शो आने के बाद ना आपको फिल्मों के बड़े ऑफर आने हैं, तो लगे आते एक ऑडिशन हो जाए। मैं हूँ लड़की की माँ और वो है मेरी लड़की, और आप उसके प्यार में पागल हो जो कभी हो नहीं सकता, और वो ऑडिशन में करना पड़ता है। आप बस मेरे पास आए हो तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, ठीक है? हाँ बेटा, हेलो। हेलो, क्या करते हो? कुछ नहीं, बस तंगी करता हूँ। हमारी बेटी उससे ज्यादा करती है। काम क्या करते हो? अभी तक तो हॉकी खेल रहा हूँ। ये सारे हॉकी खेलते हैं, उनकी करवा दे शादी फिर उससे। आप हमारी बेटी को हंसा लोगे अच्छे से? आप नहीं भी हंसाओगे, आप खुजली करोगे ना, उसने हंस-हंस मरते ना। बस कहीं खुजली की किसी ने, ऐसी खुजली मैंने कभी नहीं देखी। वैसे तो आप बहुत शर्मीले हो, मुझे पसंद नहीं आया आप। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ शर्मीले। नहीं हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कितने में शर्म हो, थोड़े बताओ तो सही। आप ज्यादा आप हमारी लड़की को हनीमून पे कहाँ लेके जाओगे? ओह गॉड, आई थिंक पेरिस। पेरिस? ओह, यू थिंक पेरिस? मतलब पेरिस आपको इतना पसंद क्यों है? ऐसे ही अच्छा है घूमने के लिए। बेटा तुम्हें पेरिस पसंद है? मान गए। वैसे मुझे इतना रिश्ता पसंद नहीं है लेकिन मेरी बेटी थोड़ी गुंडा टाइप है, मैं अगर नहीं भी मानी ना वो आपको उठा के ले जाएगी। आपको क्या, आपके गोलकीपर कैप्टन दोनों को ले जाएगी साथ में। मेरी बेटी की पहले भी शादी हुई हुई है, उसमें बारात नहीं आई थी, लड़का उठा के लाई थी। हाँ ना भी बेटी, मुझे आपका रिश्ता पसंद है। पैर छू लो बेटा। बहुत बहुत जुआई जी, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत। आप बैठ जाओ, आप सिलेक्ट हो गए फिल्म के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, हमारी पूरी दुआ है कि आपको हम हर साल ओलंपिक में देखें, आप बहुत सारे मेडल लाएं और हमारे शो में आते रहें, हमारे शो का मान और सम्मान बढ़ाते रहें। पर पाजी जश्न ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे जश्न होना चाहिए? कैसे? क्या आ जाओ भाई, आइए पाजी। अरे चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार हमारे लड़कों और हमारी लड़कियों के लिए जोरदार तालियां दो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले ओलंपिक्स में आप और ढेर सारे मेडल्स लेके आए, हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। और हमें आज बड़ी खुशी है कि थोड़ी देर के लिए सही लेकिन हम सब ने आपके चेहरे पर मुस्कान देखी आज हंसी मजाक में। सो God bless you. Thank you so much once again. Thank you. Thank you.